Assalamualaikum students, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने 5.2 सॉल्व करनी है। 5.2 बहुत ही बच्चों वाली है, बहुत ही शदीद बच्चों वाली। 5 सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं इसके अंदर। आती भी नहीं है एग्जाम में इतनी, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने सवाल एग्जाम में देखा है इसका। शायद क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, आ गया हो शायद, मुझे नहीं पता। ये पास पेपर वाली चीजें मुझे नहीं पता होती भाई, मेरा काम होता है क्वेश्चन सॉल्व करवाना। तो अगर ये पास पेपर, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, लसन जितने भी हैं सारी चीजें, ये अगर आप बाकी टीचर से समझ लो या खुद पास पेपर खोल लो तो वो बेहतर आपको बन जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से आपको इन चीजों में इतनी नहीं मतलब मिलेंगी चीजें। खैर, तो 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, आर द फॉर। अच्छा, 5.2 की थ्योरी कहाँ पे सर? भाई थ्योरी मैंने 5.1 से पहले अपलोड कर दी थी, तकरीबन 3 या 4 लेक्चर में, नहीं 3 लेक्चर होंगे, पता नहीं 4 लेक्चर होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज बताई थी। फिर मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था डिटेल में, एक एक चीज मैंने कवर करवा दी थी 5.1 से पहले ही। अब 5.1, 5.2, 5.3 हम सॉल्व कर रहे, तो थ्योरी ऑलरेडी कवर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग ग्रुपॉइड। अच्छा, ये एग्जाम में आता नहीं है, जाहिर सी बात है एमसीक्यूज लेवल का है, तो मैं इतना कोई स्टेप्स या इंग्लिश लिखवाने में फोकस नहीं करूंगा, बस जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बता दूंगा कि आपको बताना है क्या ये ग्रुपॉइड है या नहीं है। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है रेशनल और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है डिवीजन है, चलो आंसर देख के बता देंगे हम क्या है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है रियल, रियल के साथ नेगेटिव। पार्ट नंबर 3 में है 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, और 4th में है वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, पार्ट 1 का आंसर देख लेते हैं, पता चल जाएगा पॉजिटिव है या डिवीजन। यस है, दोनों ही ठीक होंगे, पॉजिटिव से भी होता है। नहीं 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 नहीं, ये पॉजिटिव ही होगा, डिवीजन नहीं हो सकता। जो बुक में आंसर अगर यस लिखा हुआ है ना, हाँ बुक में अगर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब यार तो मेरी बुक में पता नहीं आंसर आगे पीछे है, तो शायद इसी के आंसर है। शो दैट बाकी शो के ना, हाँ 5.2, क्योंकि कितने दफा चैप्टर 8 में ऐसे था कि 8.2 के आंसर की 8.3 लिखी हुई है, 8.3 में 8.4 लिखी हुई है, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन इसका अगर आंसर यस है तो यस पॉजिटिव में हो सकता है, डिवीजन में यस नहीं हो सकता। मैं डिवीजन तो चलो समझा दूंगा। अच्छा भाई, आपको बताना ग्रुपॉइड है नहीं। भाई सिंपल ग्रुपॉइड के लिए शर्त क्या होती है कि वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होना चाहिए। इन सेकंड लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में वो जो सेट है वो क्लोज होना चाहिए अंडर जो भी ऑपरेटर गिवन है। अब ये क्लोज क्या होता है या बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी सेट में से 2 एलिमेंट उठाओ और उनके दरमियान कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो भी ऑपरेशन गिवन होगा वो परफॉर्म करो और रिजल्ट जो है वो भी उस सेट से आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे वो सेट क्लोज है अंडर दैट ऑपरेशन। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि वो जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है उस सेट के लिए। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने थ्योरी में डिटेल में बातें कवर की हैं, तो अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो मेरी देख रहे हो तो आप गलत जगह पे आए हो। पहले आप वो देखो, कॉन्सेप्ट सीखो जाके, उसके बाद आपके बात समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। अब अगर रैशनल नंबर को आप डिस्कस करोगे पॉजिटिव, देखो रैशनल नंबर जो है ना यार, अच्छे खासी उनका लेवल है, बहुत अमाउंट है उनकी, इनफाइनाइट है। लेकिन एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी बहुत कम है, रैशनल नंबर की इन्फिनिटी बहुत ज्यादा है। 1 और 2 नेचुरल नंबर है, इनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, सिर्फ 1 और 2 के दरमियान। तो सोचो 2 और 3 के दरमियान कितने इनफाइनाइट है, तो नेचुरल नंबर तो कोई शय ही नहीं है रैशनल नंबर के आगे, रैशनल नंबर तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट है। तो कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर जैसा सेट उसको पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मल्टीप्लीकेशन लाना पड़ता है, पॉजिटिव की कोई औकात नहीं है, या डिविजन ले आओ, पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन ये कुछ नहीं उखाड़ सकते रैशनल नंबर का, इसी तरह रियल नंबर का कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह इंटीजर्स का कुछ नहीं कर रहे होते। तो क्यों भाई, अगेन मैंने बताया था एमसीक्यूज में है, अगर आप वैसे इसको लिखना चाह रहे हो तो ये हमारा लीनियर अलजेब्रा एक पढ़ोगे आप यूनिवर्सिटी में, हम एक्सियोम इस तरह प्रूफ कर रहे होते हैं, मतलब इनको एक्सियोम बोलते हैं, जो 4-5 मैंने बताया है ना आपको प्रॉपर्टीज, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सियोम, जिसको हम बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने कोई चीज प्रूफ करनी है कि ग्रुपॉइड है, इसका मतलब पहला वाला एक्सियोम होना चाहिए। पहला वाला एग्जाम क्या था कि बाइनरी ऑपरेटर हो या क्लोज हो, तो आप इसको लिख सकते हो किस तरीके से, आप बोलोगे यार मैंने 2 एलिमेंट पिक किए हैं ए बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं क्यू से, और अगर मैं ए और बी को आपस में ऐड करवाऊंगा तो रिजल्ट भी क्यू से आएगा, तो इसका मतलब जो एडिशन है वो यहां पे बाइनरी ऑपरेटर है सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जब मैं 2 नंबर्स को ऐड करवा रहा हूं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रैशनल भी आएगा। ऐसा पॉसिबल है कि रैशनल 2 नंबर पिक किया उनको ऐड किया आपके पास इरेशनल आंसर आ रहा है? नहीं, इसका मतलब यह है कि यह बाइनरी ऑपरेटर है। इन अदर लैंग्वेज जो रैशनल है ना ये क्लोज है अंडर एडिशन, और जब ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है सेट और उसके साथ ऑपरेटर,
तो ये अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर जो है इसको आप क्या बोलोगे, ग्रुपॉइड बोलोगे। तो यस ये बिल्कुल ग्रुपॉइड है। अच्छा सवाल ये कि अगर यहां पर मैं डिवीजन कर देता तो क्या मसला होता? मसला बच्चों ये हो जाता, अगर मल्टीप्लीकेशन होता, मल्टीप्लीकेशन मसला करता है, ग्रुपॉइड को तो मसला नहीं करेगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को इनवर्स में जाके मसला कर रहा होगा, लेकिन डिवीजन में ग्रुपॉइड में मसला होगा। ये ग्रुपॉइड नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी अगर आप डिवीजन कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कोई दो नंबर उठाते हो रैशनल से, अगर आप उनको डिवाइड करते हो तो रिजल्ट भी रैशनल ही आएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो फंसा हुआ है रैशनल और रियल के गले में, वो है जीरो। अगर आपने दो ऐसे नंबर उठाए जिसमें एक नंबर जीरो है और वो आपने डिवाइड करवा दिया इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपने बोलो कि यार मैंने कोई ए नंबर उठाया और जीरो उठाया, आपको पता है ए कोई भी आप उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो और दूसरा नंबर जीरो उठाओ, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रैशनल से, अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो है वो रैशनल से नहीं आएगा, क्योंकि ए अपॉन जीरो एक अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका कोई आंसर नहीं होता। जो आप बोलोगे यार रैशनल आ रहा है, नहीं इसका कोई आंसर ही नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो दो रैशनल को तो आंसर जो है वो रैशनल में से नहीं आ रहा, इसका मतलब रैशनल क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीजन। इन अदर लैंग्वेज डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन रैशनल नंबर। तो मैंने कहा था अगर एक भी नंबर मसला करेगा तो आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और वही वजह है। तो अगर डिवीजन यहां पे आता तो स्टेटमेंट होती नो। अच्छा जी अब आ जाओ इसके ऊपर, रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव, मैंने वही बताया था भाई नेगेटिव पॉजिटिव की क्या औकात रियल नंबर के सामने, किसी भी दो रियल नंबर को पकड़ो आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं आंसर भी दे दिया जाता है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है ग्रुपॉइड है। अच्छा ग्रुप की बात नहीं हो रही अभी, ग्रुप के लिए वो चार बातें देखनी पड़ती हैं, ग्रुपॉइड की बात हो रही है, ग्रुपॉइड के लिए बस पहली वाली प्रॉपर्टी ठीक है। अच्छा अगर आप मल्टीप्लीकेशन की मैट्रिसेस की बात करो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो बात तो बिल्कुल ठीक है ना भाई, अगर आपने कोई दो मैट्रिक्स पिक की, मैट्रिक्स को आप नॉर्मली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ए और बी ये दो मैट्रिक्स पिक की जो कि बिलोंग कर रही है M3 से, ठीक है M3 मतलब उनका जो मैट्रिक्स सबसे पहली बार स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर क्या 3/3, तो आपने दो मैट्रिक्स पिक की ए और बी दोनों का ऑर्डर 3/3 है, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जो रिजल्ट आएगा ना वो भी M3 से ही आएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपने दो 3/3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में आपके पास 2/3 आ रही है? नहीं, आपको पता है रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आती है उसको मालूम करने का तरीका क्या होता है, ये वाला दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये जो अंदर वाले नंबर होते हैं ये इक्वल होने चाहिए अगर आपने मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल बनानी है, और जो बाहर वाले नंबर है ये आपको बताते हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब दो 3/3 की मैट्रिक्स हमको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में 3/3 ही आएगी और वो ऑलरेडी इस सेट के अंदर मौजूद होगी, इसका मतलब ये क्लोज है, यस ये ग्रुपॉइड होगा। और आखिरी ये वेक्टर, वेक्टर नहीं होगा भाई, वेक्टर नो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डॉट का मतलब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वेक्टर की दो किस्म की मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि जब आप कोई भी दो वेक्टर उठाते हो, फॉर एग्जांपल v1 v2 या आपने दो वेक्टर उठाए सेट v में से कोई भी दो वेक्टर उठा लिए, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तभी आप उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो ना। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्ट में वेक्टर तो नहीं आता, रिजल्ट में कोई नंबर आ रहा होता है, तो डेफिनेटली नंबर जो है वो वेक्टर तो नहीं है ना। तो यही मैंने बात लिखी है, जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर नहीं होता, दैट्स व्हाई वो वी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वी सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो वी से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो तो कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो दैट्स व्हाई ये जो है ये ग्रुपॉइड नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस, ठीक है, ये तो बहुत ही टू और थ्री बहुत ही फजूल क्वेश्चन है, लाइक बच्चों वाले क्वेश्चन है। लिखा हुआ आपको एक सेट गिवन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही गिवन है, और आपको सेट एस दिया हुआ है, सेट एस क्या है 1 2 3 4 और ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने बोला ऑपरेटर किसी भी दो नंबर के दरमियान अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। कहने का मतलब यह है कि यहां पे एक सेट एस है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक ऑपरेटर है स्टेरिक। उस ऑपरेटर का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो एस के, उनको आपस में ऑपरेट करवाते हो तो आंसर क्या आएगा 2, ये 2 ही आता रहेगा और कुछ नहीं आएगा इसमें, किसी भी दो नंबर को उठाओ आंसर क्या होगा 2 होगा। तो चाहो तो आप यहां मल्टीप्लीकेशन टेबल बना सकते हो, आप मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाओगे तो बहुत ही फनी टेबल बनेगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं होगा 1 2 3 4
वन टू थ्री फोर। तो भाई एस के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, एक्स वाई कोई भी एस के दो एलिमेंट है, उनको ऑपरेट करो, आंसर टू ही आएगा। आपने जो करना है करो, आंसर टू ही आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेरिक ऑपरेटर है, वन को वन से करो भाई टू ही आएगा, वन को टू से करो अभी भी टू ही आएगा, वन को थ्री से करो टू टू, तो ये हर जगह टू 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 आएगा। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होती तो आप मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे जो ऑपरेटर गिवन है उसका मतलब है कि आंसर टू आएगा, तो हर जगह टू आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये ग्रुपॉइड है। भाई बिल्कुल ग्रुपॉइड है, क्यों? क्योंकि इसको आप सिंबल में भी लिख सकते हो। मैंने फाकर नंबर जो सवाल करवाए थे ना मल्टीप्लीकेशन टेबल वाले, मैं डायरेक्ट लिखवा दिया करता था कि यार ये बाइनरी ऑपरेटर है या क्लोज है, तो अगर आप सिंबल में लिखना चाह रहे हो तो ये भी इस तरह लिख दो। क्या लिख दो? सेंस एक्स स्टेरिक वाई बिलोंग्स टू एस। क्या आगे मेंशन भी कर दो कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। कहने का मतलब कि एस में से आपने कोई भी दो एक्स और वाई उठाए, आपने एक्स और वाई उठाया एस में से, उनको आपस में आपने ऑपरेट करवाया, जो रिजल्ट आ रहा है वो एस में से तो है, रिजल्ट बेसिकली टू आ रहा है, और टू क्या है? सेट एस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सेट एस के कोई भी दो एलिमेंट आप उठा रहे हो, उनको ऑपरेट करवा रहे हो, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। तो जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, देयरफॉर लिख दो सेट एस इज क्लोज्ड अंडर स्टेरिक, या अभी भी लिख सकते हो स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन एस, देयरफॉर एस स्टेरिक इज ग्रुपॉइड। कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सेट एस और ऑपरेटर, ये क्या होगा? यहां पे ग्रुपॉइड होगा। अच्छा जी, इसी तरह थ्री भी कर लेना बहुत इजी है। थ्री में ये है कि सेट एस आपके पास क्या है? सेट एस है ट्राइंगल और स्क्वायर, ये दो एलिमेंट है, और इनके दरमियान जब आप ऑपरेट करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा। आप ए और बी, मतलब इस सेट एस में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनको आपस में ऑपरेट कराओ, आंसर में ट्राइंगल ही आएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाओगे ना तो अजीब सा टेबल बनेगा, अजीब सा मतलब सेम ही है पूरा। तो ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, इसको ऑपरेटर को इस तरह लिखे, तो जब ट्राइंगल को ट्राइंगल से करोगे आंसर ट्राइंगल ही आएगा, क्योंकि आंसर में ट्राइंगल ही आना है। कुछ भी कर लो, ट्राइंगल को स्क्वायर से करो अभी भी ट्राइंगल, स्क्वायर को ट्राइंगल से करो अभी भी ट्राइंगल, स्क्वायर को स्क्वायर से करो अभी भी ट्राइंगल। तो वही चीज देखना कि यार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बेसिकली सेट एस के अंदर ही मौजूद है, इसका मतलब सेट क्लोज है अंडर दैट ऑपरेशन, इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एस और स्टेरिक, ये क्या है? ग्रुपॉइड है। उसके बाद फोर है, फोर में लिखा हुआ शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस, पावर सेट ऑफ एस और यूनियन इज एन एबिलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। ये बहुत ही अजीब फालतू में चीजें लिखते हैं, हालांकि लिख सकते थे एबिलियन मोनॉइड, मोनॉइड का वर्ड ही यूज नहीं किया इन्होंने, मोनॉइड को हर दफा बोलते हैं सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। ये तो वही बात है, ग्रुप को आप बोलो कि ग्रुपॉइड विद एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये आप ग्रुप का नाम रख दो, ग्रुप का नाम लो ये बोलते जाओ। तो भाई जिस चीज का नाम है तो इस्तेमाल कर लो, लेकिन बाहर इनको कुछ शर्म आ रही है नाम इस्तेमाल करते थे। हालांकि मोनॉइड को इतना बुरा नाम नहीं है, अच्छा नाम है, उसके बुरा लग सकता है कि उसका नाम डिस्कस ही नहीं कर रहे, लेकिन खैर हम उस चीज में नहीं पढ़ेंगे। यहां पे करना है कि आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? ये वाला कि पावर सेट ऑफ एस, ये पूरा एक सेट है ठीक है, और ऑपरेटर यहां पे क्या? यूनियन। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एक सेट और ऑपरेटर, कह रहे कि प्रूफ करो ये एबिलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करना है आपको। अब प्रूफ करने से पहले आपको सबसे पहले सेट पता तो होना चाहिए ना, सेट है क्या, सेट के एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये एलिमेंट कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको एस पता होना चाहिए, अगर एस पता होगा तभी पावर सेट ऑफ एस आएगा, ये पी ऑफ एस का मतलब है पावर सेट ऑफ एस। तो अब यहां पर सेट उन्होंने एस गिवन नहीं किया, आप अपनी तरफ से लेट कर लो, समझने के लिए आप लेट कर सकते हैं यहां पर। तो अब लेट कर लो, सबसे पहले एस जो है मिनिमम दो एलिमेंट तो यार आप डिस्कस करो, तीन भी कर सकते हो और मजा और अच्छा प्रूव होगा, लेकिन मिनिमम दो तो करो वरना फिर मजा नहीं आएगा प्रूफ करते हैं। तो एस ये है, तो यहां पे पावर सेट क्या होगा एस का? इस एस के सारे सबसेट निकालो और पावर सेट के अंदर डालो, एक सबसेट होगा एम्प्टी, दूसरा होगा एक्स, तीसरा होगा वाई, चौथा होगा एक्स वाई। ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन कह लो, जो 5.1 का आखिरी क्वेश्चन था ना, उसमें भी आपके पास ऐसे ही सेट बना था, उसमें अलग काम करना था, यहां पे अलग काम करना, लेकिन उसमें भी काम सेम ही था, उसमें भी आप एसोसिएटिव कमोटेटिव प्रूफ करते थे, यहां पर भी एसोसिएटिव कमोटेटिव प्रूफ करनी है आपको।
उसके बाद आपको आइडेंटिटी भी प्रूफ करनी होगी यहाँ पे और आपको साथ क्लोजर भी प्रूफ करनी है, लेकिन तकरीबन वही काम है जो आप वहां पे कर रहे थे। अब जरा हम प्रूफ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टेबल बना दो, क्योंकि सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको प्रूफ करनी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सेमी ग्रुप तो होता ही वो है ना कि ग्रुपॉइड विद एसोसिएटिव, तो ग्रुपॉइड क्या होता है? क्लोजर। तो इसका मतलब क्लोजर से आपको बात स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन में आप एक टेबल बना लो। टेबल किस तरह बनाओगे? कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ऑपरेटर है यहां पे यूनियन, ठीक है, और एलिमेंट्स लिखो फाइव एक्स वाई एक्स वाई, ये चार एलिमेंट है टी ऑफ एस के। अच्छा, इसी तरह फाइव एक्स वाई और इसी तरह एक्स वाई। अब मैं सब नहीं लिखूंगा, मेरा टाइम बहुत आया हो जाएगा, ये आप लोगों ने फिल करना है, क्योंकि बार बार ब्रैकेट इस तरह डांस कर रही होती है, कली ब्रैकेट अजीब सी। तो मैं आपको बस वैसे समझा देता हूं, पहली रॉ चलो करके दिखा देता हूं कि आप फाइव और फाइव का यूनियन लो तो फाइव आएगा। इसी तरह फाइव जो है ना वो बेसिकली आइडेंटिटी होती है यूनियन के हिसाब से, तो आप उसको किसी से भी यूनियन लोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फाइव का यूनियन इससे लो ये एज इज आ जाएगा, आप फाइव का यूनियन इससे लो ये भी एज इज आ जाएगा, आप फाइव का यूनियन इससे लो ये भी एज इज आ जाएगा। अब बाकी काम आपने खुद करना है। इसका यूनियन लोगे तो ये एक्स ऐसी आ जाएगा, एक्स का यूनियन इससे लोगे एक्स आ जाएगा, एक्स का यूनियन इससे लोगे एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स का यूनियन एक्स वाई से लोगे तो एक्स वाई ही आ जाएगा। इसी तरह वाई का यूनियन इससे लो वाई, फिर वाई को उससे लो वाई एक्स, फिर वाई फिर एक्स वाई, जो भी है इसी तरह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये सब सिचुएशन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है आप यहां पे कोई भी आप ऑब्जर्व करोगे सब एलिमेंट इसी एसेट के अंदर से होंगे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इससे बाहर होगा। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, सिंस ए यूनियन, अगर आप सेट की लैंग्वेज में लिखो चलो कैपिटल लिख देते हैं, ए यूनियन बी जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ एस से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट, कि जो पावर सेट है उसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उनका आपस में यूनियन लो, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी पावर सेट से ही आ रहा है। और ये ऊपर 16 एलिमेंट लिखे आपने बात प्रूफ की है कि जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं किसी भी दो को पिक करो तो रिजल्ट पावर सेट के अंदर से ही आ रहा है। तो अभी बात नीचे लिख सकते हो कि पावर पी ऑफ एस इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। तो पहली बात तो कंप्लीट होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाओ। तो एसोसिएटिव में आप क्या करोगे भाई, एसोसिएटिव में कोई मुश्किल बात नहीं होती। कम्यूटेटिव चलो उसके बाद कर लेंगे, या पहले कम्यूटेटिव कर लें, कम्यूटेटिव इजी होती है, चलो कोई बात नहीं एसोसिएटिव कर लेते हैं। एसोसिएटिव में आपने क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब आप पहले जनरलाइज स्टेटमेंट दे दो, फिर प्रूफ करने के लिए नेचर को बता देना, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे आप आसानी से बता सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे वैलिड है। कि फॉर एग्जांपल आप लिखोगे अगर ए बी सी, अगर आप ए और बी का यूनियन लो और उसको ऑपरेट करवाओ सी से, यहां पे ये बराबर है कि आप सबसे पहले बी का यूनियन लो सी से, जो आंसर है उसका यूनियन लो ए से, ये आपस में बराबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट के कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ उसमें ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप एग्जाम्पल देना चाहो एग्जाम्पल दे दो, कि फॉर एग्जाम्पल आप उठाओ यहां से एक्स, फिर यूनियन लो वाई से, फिर यूनियन लो एक्स वाई से, तो पहले इनको आपस में सॉल्व करो। अब ये काम आप लोग नीचे आप लोग सॉल्व करते रहना, ये मैं एंड पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं पूरी, आप इसको सॉल्व करना। पहले इसको सॉल्व करना क्या आंसर आएगा, एक्स और वाई का यूनियन लोगे एक्स वाई आएगा, तो यहां पे लिखना एक्स वाई, फिर यूनियन एक्स वाई, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई का यूनियन एक्स वाई से क्या होगा, एक्स वाई के बराबर होगा, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, एक्स वाई। फिर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड सॉल्व करना, राइट हैंड साइड क्या होगी, एक्स रखना अपने जगह पे, पहले आप यूनियन लेना वाई का और एक्स वाई का, इनका यूनियन लेना, ठीक है। तो जब आप ये अब राइट हैंड साइड है, अब इसको आप सॉल्व करना अलग से पूरा, जब आप इसको सॉल्व करोगे वाई और एक्स वाई का यूनियन होगा एक्स वाई, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन जब आप एक्स से रहोगे तो अगेन एक्स वाई आएगा आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों बराबर आएगी। तो फिर आप ये स्टेटमेंट मेंशन करना कि ये वाली पूरी चीज जो है ये बराबर है इसके, तो इस तरह आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो पूरी कंप्यूटर जाएगी। उसके बाद आपको क्या बचा, यहां पे आइडेंटिटी भी हमें प्रूफ करनी है, लेकिन पहले मैं कम्यूटेटिव प्रूफ करवा देता हूं, इसको थोड़ा बता देते हैं। कम्यूटेटिव में कोई इशू नहीं है, कम्यूटेटिव आसानी से कर सकते हो, कम्यूटेटिव में तो कोई मसला नहीं होने वाला आपको।
कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यार, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब आप लिखो ए यूनियन बी या आप लिखो बी यूनियन ए, बात एक ही होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनके दरमियान यूनियन लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर एक ही आएगा। चाहे तो एग्जाम्पल भी आप साथ दे दो, बल्कि एग्जाम्पल दे देना अच्छी बात हो जाएगी, कि आप एक्स का यूनियन लो वाई से या आप वाई का यूनियन लो एक्स से, बात एक ही है। इसका आंसर भी होगा एक्स वाई और इसका आंसर भी हो जाएगा एक्स वाई, तो प्रूव होगी आपकी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आखिरी चीज है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी होती क्या है वैसे, आइडेंटिटी आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दो। आप जनरलाइज स्टेटमेंट ये है कि अगर आप ए को यूनियन ले रहे हो बी से तो आंसर आ रहा है ए के बराबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। आप ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हो कि अगर आप यहां पे बी की जगह पे ई लिखना चाहो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बी ना जनरलाइज बात हो जाएगी। जैसे आप आइडेंटिटी के लिए ई यूज करते थे ना, तो यहां पे आइडेंटिटी भी एक सेट है, तो सेट को आप नॉर्मली कैपिटल लेटर से लिखते हो, तो मैं ई को कैपिटल लगे कैपिटल ई कर दिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इस सेट के अंदर कुछ ऐसे ए हैं जिनको जब आप ई से ऑपरेट करवा रहे हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, बल्कि जितने भी हैं सबसे पहली बात ई एक ही रहता है, तभी मैंने ई की नोटेशन यूज की है कि पूरे सेट में आइडेंटिटी एक ही होती है और वो सेट से बिलोंग करनी चाहिए, तो तभी मैंने लिखा ई बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एस से। इस तरीके से कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ उसको अगर आप यूनियन लो ए से, सॉरी उसका यूनियन लो ई से, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस बात को नीचे आप लिखो भी, बताओ उनको कैसे है। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर जो एक्स है, चलो एम्प्टी सेट से बात करते हैं, आइडेंटिटी यहां पे बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी यहां पे है एम्प्टी सेट, मैंने बताया था एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट का अगर यूनियन लोगे किससे, एम्प्टी सेट से, तो देखो एम्प्टी सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने जवाब में मौजूद है। ये तो आप कहोगे सर अजीब सी बात है, कि वही बात है अगर वन को आप जीरो, सॉरी वन को आप वन से मल्टीप्लाई करो आंसर में वन आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने सेम चीज मल्टीप्लाई की है, लेकिन मतलब ये कि फाई यहां पे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को अपने साथ यूनियन लोगे तो वही आएगा। असल चीज है बाकी कौन सा है, सबसे पहले एक्स है, अगर आप एक्स का यूनियन लोगे फाई से आपको पता है आंसर में एक्स ही आएगा, मतलब एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह आप यहां पे y का यूनियन लो, y का यूनियन किससे लो, अगेन एम्प्टी सेट से, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, सॉरी y आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा y को। इसी तरह आप यहां पे एक और एलिमेंट पिक करो x और y, जब इसका यूनियन लेते हो अगेन एम्प्टी सेट से, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स वाई। तो कहने का मतलब यह, कोई भी एलिमेंट पिक कर लो उसको जब आप ऑपरेट करवाओगे फाइ से, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपके पास हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट अपनी जगह पे मौजूद होगा। इस चीज को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, मेरे जहन में अच्छी वर्डिंग आ रही है, विस्तार लिख देना आप यहां पे एक लाइन लिख देना, ठीक है, ये इतना मजा नहीं दे रही। आप यहां पे लिखना कि इससे पहले, सबसे पहले लिखना कि फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एस, कि पी ऑफ एस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फाई है। नीचे लिख देना कि दैट इज, कि जब आप किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल ए सेट है उसका जब आप यूनियन लोगे फाइव से, तो आंसर क्या होगा, ए, आगे मेंशन कर देना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। एम्प्टी सेट का तो ऑलरेडी आपने बता दिया था ना कि पी ऑफ एस में एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी है, तो अगर आप इस एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी ए से लोगे, वेयर ए क्या है, कोई भी पी ऑफ एस का एलिमेंट हो सकता है, तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि फाइव जो है वो एज अ आइडेंटिटी ट्रीट होगा, वो सेट को कोई फर्क पैदा नहीं करेगा उसके अंदर, वो आपने देख लिया, सब रिजल्ट अपनी जगह पे सेम है। तो दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी अचीव हो रही है। अब रिजल्ट कहने का वक्त है, रिजल्ट आप क्या बोलोगे, रिजल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, कि सिंस क्लोजर एसोसिएटिव, मैं तरतीब से कह रहा हूं, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, देयरफॉर P of S, आप ये कह सकते हो कि P और जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है P of S और यूनियन इज एबेलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। आप सिंपल यही बोल सकते थे सेमी एबेलियन मोनॉइड, क्योंकि मोनॉइड ही होता है ना सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब ये कि सेमी ग्रुप बेसिकली होता है कि क्लोजर और एसोसिएटिव,
सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी का मतलब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। अच्छा एबिलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी का मतलब क्या, वो क्लोज भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो और उसके साथ साथ वो कम्यूटेटिव भी हो। एबिलियन का मतलब कम्यूटेटिव होता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने सेटिस्फाई करती है, क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। तो एंड पे आप रिमार्क दे सकते हो कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना पी ऑफ एस और यूनियन, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, बेसिकली एबिलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। इसको आप इस तरह लिख सकते हो एबिलियन मोनोइड। सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी क्या होता है, मोनोइड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में का पार्ट वन पिक करते हैं। आपके पास गिवन है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर M3 और उसके साथ गिवन है पॉजिटिव, और आपको बताना है ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी है, एग्जैक्ट वही जो क्वेश्चन नंबर फोर में किया था। इसको आप ये भी बोल सकते हो एबिलियन मोनोइड, कम्यूटेटिव मतलब एबिलियन और सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी मतलब मोनोइड। किस तरह प्रूफ करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करोगे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा वो आपको, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 3x3 की मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सेटिस्फाई करवानी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह आप सेटिस्फाई करवाओगे, आप लिखना के ए प्लस बी जो है वो बराबर होगा, मतलब बिलोंग करेगा एम थ्री से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम थ्री। मतलब उनको ये बताना कि जब आप एम थ्री मतलब 3x3 की कोई मैट्रिक्स पिक करोगे और कोई भी दो मैट्रिक्स पिक करो और उनको आपस में ऐड करवाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा M3 से। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। तो आप लिख दो कि देयरफॉर M3 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर वो मेंशन करें ना यार एग्जांपल के साथ प्रूफ करो तो फिर होगा, वरना आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपने प्रूफ कर दी कि यार ये जो मैट्रिक्स है ना ये क्लोज होगी अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मेंशन कर देते हैं। कोई भी तीन मैट्रिक्स आपको चाहिए, ए बी सी, ए बी सी, पहले इन दो को सॉल्व करो, यहां पे इन दो को सॉल्व करो। तो मैट्रिक्स में यार कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। आगे आप लिख दो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू M3। आप M3 की कोई भी तीन मैट्रिक्स उठाओ, आप पहले A प्लस बी को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आए उसको C में ऐड करो, ये बराबर होगा कि पहले B प्लस सी को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आए उसको A में ऐड करो, बात एक ही है। तो देयरफॉर M3 इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। अंडर पॉजिटिव लिख सकते हो शायद, देख लो। अच्छा उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी, उसके बाद आइडेंटिटी हम करते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है भाई, यहाँ पे जो M3 है उसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स भी होगी जो नल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3। क्योंकि देखो M3 के अंदर सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, अब उन्हीं सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 होगा उन्हीं में ऐसी मैट्रिक्स भी होगी जो नल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3x3 होगा, क्योंकि 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो भी M3 के अंदर शामिल होगी। तो यहाँ पे जो O3 है ना, O3 क्या होगी, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये बिलोंग करेगी M3 से, सच दैट कि जब आप इस O3 को ऐड करोगे A के अंदर, या O3 को मतलब A को ऐड करो, मतलब A प्लस O3 या O3 प्लस A, जो रिजल्ट है वो A होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू M3। आप M3 की कोई भी एक मैट्रिक्स उठाओ उसको O3 में ऐड करो या O3 को उसमें ऐड करो, रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि O3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। कि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव O3 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है M3 के अंदर। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो थी आइडेंटिटी, वो भी M3 के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। और आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव, क्योंकि एबिलियन ही आपको बताना ना। तो कम्यूटेटिव तो बहुत ईजी है, आप सिंपल लिख सकते हो कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू M3। के ए बी बिलोंग्स टू M3 उन सब में क्या होगा, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस लिखो, बात एक ही है। नीचे लिखना हेंस M3 इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। एंड पे आप लिख देना हेंस जो M3 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के लिए ये और आइडेंटिटी, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो आप कह सकते हो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो ये एंड पे रिमार्क्स आप लिख लेना, बात खत्म।
अब दूसरा जो है उसके लिए भी आपने यही काम करना है यार। मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बस वैसे समझा रहा हूं उसको। स्टेप मैंने सारे लिख दिए। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, M3 और मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। मतलब यहां पे कम्यूटेटिव डिस्कस नहीं किया, ये जो तीन प्रॉपर्टी है ना ये आपको बताएंगे। तो एग्जैक्ट यही काम करना है आपने, आपने ऊपर लिखना है M3 और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो स्टेप मैं नहीं बताना लेकिन समझा रहा हूं आपको किस तरह करोगे। सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्लोजर की। आपको पता है जब भी आप किसी 3x3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में 3x3 मैट्रिक्स ही आती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू M3। कहने का मतलब कोई भी तीन दो मैट्रिक्स उठाओ M3 के अंदर से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी भाई वो भी क्या होगी, वो भी 3x3 की मैट्रिक्स ही होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लीकेशन ये सेटिस्फाई होती है मैट्रिसेस के अंदर। आप मेंशन भी कर देना कि ए बी सी पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवाओ फिर उनको सी से करवाना, ये बराबर है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो आप लिख देना फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू M3, देयरफॉर जो M3 है वो एसोसिएटिव है अंडर जो भी है मल्टीप्लीकेशन। और फिर आइडेंटिटी में अभी लिखना कि भाई एक मैट्रिक्स है I3, I3 क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो कि M3 के अंदर मौजूद होगी। और ये होती क्या है 100 010 001, ये बिलोंग कर रही है किससे, M3 से। M3 के अंदर एक ऐसी भी मैट्रिक्स होगी जो आपके सामने ये लिखी हुई है, सच दैट जब आप किसी भी मैट्रिक्स को इस I3 से मल्टीप्लाई करवाओ और ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिजल्ट आपके पास ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू M3। आप M3 की कोई भी मैट्रिक्स उठाओ उसको जब आप I3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैट्रिक्स अपनी जगह पे रहेगी। तो इसका मतलब I3 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट मैंने लिखवाया था, इसको मैट्रिक्स कर लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इसका मतलब ये मोनॉइड है, मतलब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है मोनॉइड है, या आप इसको बोल सकते हो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। सवाल आप लोगों का कंप्लीट बच्चों, एक्सरसाइज भी आप लोगों की कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।